हेलो क्लास 9, वेलकम टू अवर चैनल राइजिंग क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 इज मैटर ऑन द प्योर का टॉपिक होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर। देखिए, हमने पिछले टॉपिक या पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि मिक्सचर और क्या होते हैं, प्योर इम्प्योर क्या होता है, उसी मिक्सचर को हम किस तरह से क्लासीफाइड कर सकते हैं फर्दर होमोजेनियस मिक्सचर और हेटरोजेनियस मिक्सचर के अंदर। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो होमोजेनियस हेटरोजेनियस मिक्सचर को हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना। हाय क्लास 9, वेलकम टू अवर चैनल लर्न अकेडमी। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। आज डिस्कस करेंगे हम इज मैटर अराउंड अस प्योर का टॉपिक होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर। देखिए, होमोजेनियस और हेटरोजेनियस मिक्सचर्स, अगर जो हमने मिक्सचर वाला टॉपिक डिस्कस किया था, आप प्लीज इस वीडियो को देख सकते हो, दूसरी लिंक अगर देख सकते हो, हमारे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे प्रेजेंट है। तो मिक्सचर और इम्प्योर का टॉपिक हमने डिस्कस किया, तो उस मिक्सचर को हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले जब मिक्सचर की बात करते, देखिए मिक्सचर क्या होता था, इज अ केमिस्ट्री व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स विद ईच रिजल्ट क्या होता है, फॉर्म्ड मिक्सचर। एग्जाम्पल देखिए, कर्ड क्रूड ऑयल हो गया आपका, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अ मेनली हाइड्रोकार्बन, सी वाटर, मिक्सचर ऑफ अ वेरियस सॉल्ट एंड वाटर लाइक अ एयर हो गया। मिक्सचर क्या है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब मिक्स हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मतलब कि मिक्सचर के अंदर मल्टीपल सब्सटेंसेस, मल्टीपल एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट प्रेजेंट हो, कंपाउंड प्रेजेंट हो, वो क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप टी देख सकते हो, क्रूड ऑयल देख सकते हो, एयर देख सकते हो। एयर के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑर्गन भी है, नियॉन भी है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है आपके, मिक्सचर है ऑफ एयर है। एयर क्या होगा, एक तरह से मिक्सचर होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हो गई। इसी तरीके से आपके कलर डाई हो गए, ये सारी चीज़ें मिक्सचर होती है। अब मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मिक्सचर या तो होमोजेनियस हो सकता है या तो हेटरोजेनियस हो सकता है, जो डिस्कस करने वाले हम। ठीक है, द कंपाउनेंट ऑफ मिक्सचर ईच कीप्स द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। अब जो भी मिक्सचर के अंदर हमने चीज़ें मिक्स करी है, लाइक मान लीजिए ऑक्सीजन मिक्स किया, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया, नाइट्रोजन मिक्स किया, तो ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी तो शो करेगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, नाइट्रोजन अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, मिक्सचर के अंदर उसका देखिए, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स कैन बी इजीली डन बाय द फिजिकल मेथड्स। अब अगर हमें मिक्सचर को अलग करना है तो हम फिजिकल मेथड्स के द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ है मिक्सचर की, आपको याद होनी चाहिए, आप एग्जाम में आप लिख पाओ। पहला क्या है, मिक्सचर होमोजीनियस या हेटरोजीनियस हो सकता है, द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ईच इज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ लाइक जो भी आपके मिक्सचर के अंदर जो चीज़ आपने मिक्स करी है, लाइक ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन, ये अपनी अपनी प्रॉपर्टीज तो शो करेंगे ही। लाइक आप चाय अगर बनाते हो, टी बनाते हो, तो उसमें जो वाटर की प्रॉपर्टी है, मिल्क की प्रॉपर्टी है, शुगर की प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टीज तो शो करते ही करते हैं। उसका देखिए, द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट कैन बी इजिली डन बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड्स को आप अलग कर सकते हो। द पोर्शन ऑफ कंपोनेंट आर वेरिएबल, अब जो आपका मिक्सचर होता है इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर का, वो वेरिएबल हो सकता है, कोई चीज़ ज़्यादा हो सकती है, कोई चीज़ कम हो सकती है। उसका प्रॉपर्टीज लाइक अ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आर डिफरेंट एंड नॉट फिक्स। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट की, देखिए वो क्या होते हैं, डिफरेंस हो सकती है। लाइक टी है तो उसमें शुगर का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, तो उसमें जो कंपोनेंट लगे हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो अलग ही होंगे। तो ये आपका मिक्सचर था और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ थी। सबसे पहले आप बात कर ले, जो मेन टॉपिक है डिस्कस करने वाले हम, वो क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए, अ मिक्सचर इज सेट टू बी होमोजीनियस इफ़ ऑल कॉम्पोनेंट, अगर सारे कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, मतलब कि सब यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो। देखिए ये आपका क्या, होमोजेनियस मिक्सचर है। द सेकंड जो ये डायग्राम दे रखा है आपका, इसमें होमोजेनियस मिक्सचर है, इसमें जो रेड टाइप के बॉल्स है और ग्रीन टाइप के बॉल्स है, वो क्या अरेंज है एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक जगह रेड वाले इकट्ठा हो गए और एक जगह ग्रीन वाले इकट्ठा हो गए। तो होमोजेनियस की सबसे खास बात क्या होती है कि जो भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं या फिर जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं एक पैटर्न पे और हर जगह प्रेजेंट होगा। यहाँ ये नहीं कि अगर एक जगह पे एक तरह की चीज़ें प्रेजेंट होगी और एक जगह पे एक तरह की चीज़ें प्रेजेंट होगी। उसके बाद से क्या होता है, होमोजीनियस को सेपरेट कर पाना। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, ठीक है, ये बात तो हमने डिस्कस कर ली है ना, जैसे लेकिन यहाँ पे रेड है और यहाँ पे ग्रीन है, तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना ये होमोजीनियस के अंदर, यहाँ पे भी रेड, यहाँ पे भी ग्रीन, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन, ये एक पूरे तरह से पैटर्न है, यानी इसे यूनिफॉर्मली बोलते हैं, यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होता है सब चीज़। उसके बाद से बात करते हैं यूनिफॉर्मली के बाद, देयर इज नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, इनके बीच में कोई इस तरह की बाउंड्री नहीं है, किसी तरीके का गैप नहीं है, किसी तरह का स्पेस हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता,
ठीक है, तो इनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं होती सेपरेशन करने की, पूरी तरीके से मिक्स है, ठीक है। उसके बाद से एग्जाम्पल सॉल्ट इन अगर वाटर, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अगर सॉल्ट को आप किससे मिक्स करते हो वाटर में, तो वो कौन सा एक मिक्सचर होता है, होमोजीनियस, क्योंकि वो पूरी तरीके से मिक्सड हो जाता है, ठीक है, तो वो आपका होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट है। तो होमोजीनियस का क्या खास बात होती है, होमोजीनियस तो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, इसके पार्टिकल भी ना हम देख नहीं पाते, और जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है सेपरेशन की, और एग्जाम्पल सॉल्ट और वाटर हो गया। उस तरीके से हेट्रोजीनियस की बात करते हैं, देखिए ये होमोजीनियस का एग्जाम्पल है, इसमें किसी भी तरह का दूसरे पार्टिकल आपको दिख रहे हैं नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है और उसको अलग करना भी मुश्किल है, और पूरी तरीके से मिक्स हुआ तो हर जगह पूरी तरीके से मिक्स हुआ है, यहाँ पे सॉल्ट के सारे यूनिफॉर्मली पार्टिकल प्रेजेंट है हर जगह, ऐसा नहीं कि सॉल्ट एक जगह इकट्ठा हो गया। लेकिन हेट्रोजीनियस की जब बात करते हैं तो इसमें इसके पार्टिकल्स ना विजिबल होते हैं, मतलब पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होते, घुलते नहीं है, कौन हेट्रोजीनियस के अंदर। तो उसके बाद मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर नॉट ट्रूली मिक्स, मतलब पूरी तरीके से मिक्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका कुछ कंपोनेंट बैठ जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं किसके, जो भी आप चीज़ मिक्स कर रहे हो। हेट्रोजीनियस के अंदर आपके पार्टिकल्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे, किसी जगह पे ज़्यादा होंगे किसी जगह पे कम होंगे, और ये इसकी बाउंड्रीज कहते हैं विजिबल होती है, ये आसानी से अलग किया जा सकता है, यहाँ पे जो होगा थोड़ा वाटर हो जाएगा, यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे सेंडिमिशन हो जाएंगे, जो आपके पार्टिकल्स हैं मिट्टी के मड के वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाता है एक तरह से हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस मतलब घुले ना, इसका एग्जाम्पल देखिए अघुलनशील सैंड इन वाटर, ठीक है, आप सैंड को मिट्टी को वाटर के अंदर घोलिए वो घुलेगा ही नहीं, वो क्या होता है एक हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल होता है।